गुजरात के विधानसभा चुनावों में ऐतिहासिक जीत दर्ज करने के बाद आज नई सरकार का गठन होने जा रहा है। भाजपा का गुजरात की सत्ता में सातवां कार्यकाल आज भव्य शपथ ग्रहण समारोह के साथ शुरू होगा। शपथ ग्रहण समारोह में गांधीनगर स्थित हेलीपैड मैदान में होना है। भूपेंद्र पटेल लगातार दूसरी बार राज्य के सीएम और 18वें मुख्यमंत्री के तौर पर सीएम पद की शपथ लेने वाले हैं। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत उनके साथ 16 अन्य मंत्रियों को भी अपने पद की शपथ दिलाएंगे। जानकारी के मुताबिक गुजरात के मनोनीत मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए उनका परिवार गांधीनगर के हेलीपैड ग्राउंड पहुंच चुका है। शपथ ग्रहण समारोह में पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के अलावा भाजपा के अन्य बड़े नेता भी शामिल होंगे। एक नेता के तौर पर कैसे हैं भूपेंद्र पटेल? भूपेंद्र पटेल का जन्म 15 जुलाई 1962 को अहमदाबाद में हुआ। अहमदाबाद के गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज से डिप्लोमा की डिग्री लेने के बाद वे संघ से जुड़े। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के जरिए ही उन्होंने 1995 में अपनी चुनावी पारी की शुरुआत की। इसके बाद से भूपेंद्र पटेल का कद गुजरात की राजनीति में बढ़ता ही चला गया। उन्हें 1995 में ही गुजरात के मेमनगर नगरपालिका का चेयरमैन चुना गया। पूरे एक दशक तक बतौर चेयरमैन नगरपालिका में अपनी सेवाएं देने के बाद 2008 से 2010 तक अहमदाबाद नगर निगम बोर्ड के उपाध्यक्ष भी रहे। इतना ही नहीं, 2015 में उन्हें अहमदाबाद विकास प्राधिकरण का चेयरमैन बनाया गया। 2017 के विधानसभा चुनावों में पहली बार वो घाटलोडिया विधानसभा क्षेत्र से 1,17,000 वोटों के बड़े अंतराल से चुनाव जीतकर विधायक बने। बताते चलें, भूपेंद्र पटेल ने 2021 में विजय रूपानी की जगह ली थी। ये पहली बार होगा कि कड़वा पाटीदार सब ग्रुप का कोई नेता गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेगा। शपथ ग्रहण समारोह पर प्रतिक्रिया देते हुए गुजरात की वीरमगम सीट से विधायक बने हार्दिक पटेल ने कहा कि वे एक युवा विधायक हैं, वे सिर्फ अपनी पार्टी के लिए काम करने में विश्वास रखते हैं, इसलिए पार्टी ही तय करेगी वे किसे रखना चाहती है किसे नहीं। पार्टी उन्हें जो भी भूमिका देगी वे उसे ईमानदारी के साथ निभाएंगे।